सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं वर्ल्ड वॉर गेम का एक ऐसा ट्रिक जिसमें आप लोग हर एक गेम विन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहां पर एक गेम में एंटर कर चुका हूं और यहां पर मैंने सेव कार्ड को किया है सिलेक्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग को करना है फुल वॉच। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना है। और जैसे कि मेरे सारे वीडियोज़ में गाइस गिव अवे रहता है, सेम इसी वीडियो में भी आप लोग को मिलने वाला है फर्स्ट कमेंट, सेकंड कमेंट, थर्ड कमेंट, मोर 10 कमेंट्स को गिव अवे। गिव अवे में बनने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर आप लोग को गिवे मिलेगा। कैसे आप लोग बन सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर है, तो जल्दी से वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाओ। लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला बात है गाइस, जब भी आप लोग वर्ल्ड वॉर का गेम खेलते हो तो आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसे रहता है जो कि आप लोग इग्नोर कर देते हो या फिर उसमें ध्यान ज्यादा नहीं देते हो। तो आप लोग को सबसे पहला बात है, आप लोग को सिर्फ टोटल प्लेयर को देख के नहीं खेलना है, सिर्फ टोटल प्लेयर को देख के नहीं खेलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोटल प्लेयर को देख के आप लोगों को खेलना है या फिर नहीं खेलना है, मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को टोटल प्लेयर को देख के नहीं खेलना है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसमें आप लोगों को नोटिस करना है, तब आप लोगों का हर एक गेम विन होगा। तो सबसे पहला बात है गाइस कि आप लोग को कौन सा गेम में एंटर करना चाहिए, कौन सा गेम में एंटर नहीं करना चाहिए। कोई भी अमाउंट का आप लोग गेम खेलो गाइस, यहाँ पर ये जो ट्रिक है ये बिग अमाउंट्स गेम का ट्रिक है। तो सबसे पहला बात, बिग अमाउंट का गेम मतलब जैसे कि 100 रुपये से ऊपर वाले गेम या फिर 100 रुपये, तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं 100 रुपये का गेम खेलूंगा और उसी का मैं आप लोग को ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ये गाइस हर एक बिग अमाउंट्स के गेम में वर्क करने वाला है। तो जो जो गेम आप लोग ज़्यादा खेलते हो और जो सबसे पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा लोग खेलते हैं, वही वाला गेम आप लोग को खेलना है। जैसे कि यहाँ पर एक क्रिकेट वाला गेम हो गया, दूसरा फ्रूट समुराई वाला नाइफ वाला गेम हो गया। तो ये तो ओल्ड फॉर्मेट का गेम है, बट न्यू फॉर्मेट में आप लोग को ये देखना है कि कौन सा गेम है, क्योंकि जो गेम में आप लोग ज्यादातर विन करते हो उसी गेम को आप लोग को खेलना है। और जिस गेम में गाइस लोग ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 256 रुपये का मेरा विन हो रहा है बट मेरा लॉस हो रहा है विकेट में, मतलब मुझे पता है कि यहाँ पर लास्ट तक मेरा विन होगा और ये वाला गेम हम लोग जीत चुके हैं। और मैंने यहाँ पर धोनी को सिलेक्ट किया, तो अभी के टाइम में टोटल पर ऑलमोस्ट सेम हुए हैं हम लोग का। बट आप लोगों को कार्ड को कैसे सिलेक्ट करना है ये तो मैंने बता दिया है कि आप लोगों को एंटर किस में करना है किस में नहीं, और एकदम कम टाइम में एंटर करना है, जितना कम टाइम में हो सके, जितना कम टाइम में आप लोग कार्ड को समझ कर फटाक से सेलेक्ट करो और रिजल्ट भी 3-4 सेकंड के अंदर आ जाए। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा गेम में आप लोगों को कार्ड को कैसे सिलेक्ट करना है, क्या देख के आप लोगों को सिलेक्ट करना है, टोटल प्लेयर का क्या होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए और धोनी को ली क्या होना चाहिए, पूरा मैं आप लोगों को भी समझाऊंगा। सबसे पहला बात है गाइस कि आप लोगों को दो चीज़ हमेशा देखना है। पहला बात है गाइस टोटल प्लेयर, दूसरा चीज़ है गाइस कौन सा कार्ड है, ठीक है, और तीसरा चीज़ है गाइस विनिंग। तो विनिंग को आप लोगों को हर बार नहीं देखना है और ना ही गाइज आप लोगों को हर बार कार्ड्स को देखना है, वो आप लोगों को कब देखना है। जैसे कि यहाँ पर एक साइड में 26, एक साइड में 45 का टोटल पेयर है, तो ऐसे जगह पर आप लोगों को कार्ड्स को देखना है। यहाँ पर तो गाइज करण अर्जुन का कार्ड है, ऐसे जगह पर आप लोग सेव कार्ड को सिलेक्ट करो। रिक्स गेम प्ले विन करण अर्जुन के कार्ड्स में आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत कम बार होता है। आई थिंक मेरे हिसाब से मतलब यहाँ पर ज़्यादा टोटल पेयर का डिफेंस, अगर कम टोटल पेयर का डिफेंस होता तो मैं यहाँ पर जरूर कार्ड को सिलेक्ट करता। बट आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कोई सा भी गेम हो, ठीक है, कोई सा भी गेम हो या फिर करण अर्जुन वाला गेम हो या फिर क्या बोलते हैं कोहली धोनी का कार्ड हो, कोई भी गेम हो, अगर आप लोगों का टोटल प्लेयर का डिफरेंस कम है, देखने में ही लग रहा है टोटल प्लेयर का डिफरेंस कम है, तो आप लोग वहाँ पर इस कार्ड को सिलेक्ट करना है। अगर ज़्यादा लग रहा है तो सेव कार्ड को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने पहले वाले गेम में किया था। अब यहाँ पर एक गेम आ चुका है जो कि यहाँ पर 100 रुपये का मेट्रो सफर का गेम है, जो कि काफ़ी पॉपुलर गेम है विंजो में खास करके, और वही ज़्यादातर लोग खेलते, तो मैंने इसमें ही एंटर किया है। और यहाँ पर एक साइड में 45, एक साइड में 43 के समथिंग, दोनों साइड में 45-45 का टोटल प्लेयर था। तो ऐसा जगह पर आप लोग को करना है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा जगह पर क्या किया जाए। तो मेरे हिसाब से या तो एक जैसा टोटल पेयर या फिर गाइस 2-3 टोटल पेयर का अगर यहाँ पर डिफरेंस भी रहता है तो मैं यहाँ पर इसी कार्ड को सिलेक्ट करता, क्योंकि इस कार्ड पर विनिंग दिखा रहा था। कार्ड्स पर गाइस आप लोग को भी पता है विनिंग नजर आता है, अगर गाइस वो भी आप लोग को कब देखना है जब टोटल पेयर का डिफरेंस एकदम ना के बराबर हो, और जब टोटल पे का डिफरेंस थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल सकते, ज़्यादा हो, मतलब जैसे कि 50% से थोड़ा ज़्यादा, 50% से थोड़ा कम। जैसे कि हम लोग का अगर 100 का टोटल पेयर है तो 60 और 40 के बीच में अगर टोटल पेयर का डिफरेंस रहता है तो उस टाइम आप लोग को ऐसे देखना है कि कितना, मतलब 50% के लगभग में जब रहता है टोटल पेयर का डिफरेंस, तब उस टाइम आप लोग को देखना है कि कार्ड पर विनिंग दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। अगर विनिंग दिखा रहा है तो उस टाइम भी आप लोग को रिस्क कार्ड को सिलेक्ट करना है, रिस्क कार्ड पर अगर विनिंग दिखाए तो, नहीं तो आप लोग को नहीं करना है। और अगर गाइस धोनी है, अगर विनिंग ना दिखाए और धोनी है तो भी आप लोगों को धोनी को सिलेक्ट करना है। और एक बात कि धोनी कोहली कब 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 आप लोगों को देखना है, जब आप लोग का टोटल पेयर का डिफरेंस बहुत कम होता है, बहुत कम क्या मतलब, जैसे कि एक साइड में मान लो 100 का टोटल पेयर है, किसी साइड में 80 का टोटल पेयर है, ऐसा जब भी आप लोगों को डिफरेंस मिलता है, सबसे पहले इसका बात करें, यहाँ पर जैसे ही मैंने एंटर किया मैंने सेव कार्ड को सिलेक्ट किया, क्योंकि गाइस सबसे पहला बात ना ही रिस्क कार्ड पर विनिंग दिखा रहा था ना ही रिस्क कार्ड पर धोनी था, बट धोनी रहता फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं करता, धोनी के साथ साथ विनिंग रहता तो ही मैं सिलेक्ट करता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर का डिफरेंस है, इतना ज़्यादा प्लेयर का डिफरेंस पर कभी भी इस गेम प्ले विन नहीं करने वाला।
तो मैं क्या बता रहा था गाइज, अगर किसी साइड में 80 किसी साइड में 100 का टोटल पेयर है वहां पर रिस्क कार्ड गाइज, अगर जिसकी 80 का टोटल पेयर वाला कार्ड रिस्क कार्ड है तो वहां पर मैं रिस्क कार्ड को अगर सिलेक्ट करने जाऊँ और अगर गलती से वहां पर धोनी रहे रिस्क कार्ड तो वहां पर आप लोग को सिलेक्ट नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब है एकदम अगर कम का टोटल पेयर का डिफरेंस हो और रिस्क कार्ड अगर वहां पर धोनी हो तो रिस्क कार्ड को आप लोग को सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कम डिफरेंस पे रिस्क कार्ड पर कम डिफरेंस पे धोनी गाइज रिस्क कार्ड कभी नहीं विन करने वाला। मैं लिख के देता हूँ ये चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर आप लोग देखो गाइज, यहाँ पर सबसे पहला बात अभी के टाइम में नॉर्मली एकदम टोटल पे का कम डिफरेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों का सेम लगभग हो चुका है। बट जब गाइज आप लोग कार्ड को सेलेक्ट करने जाते हो तो आप लोग को वो चीज़ हमेशा मैटर करता है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि 176 या फिर 78 रुपये का विनिंग मेरा हो चुका है, ये वाला भी गेम हम लोग विन कर चुके हैं। ट्रिक के अनुसार मैं कुछ गेम्स और खेल के आप लोग को दिखाता हूँ और पूरा ट्रिक को मैंने आप लोग को समझा दिया है, तो मैं अब कुछ गेम खेल के आप लोग को दिखा दूँ इसी ट्रिक के अनुसार खेल के, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखो मेरा प्लेयर, दोनों का प्लेयर ऑलमोस्ट सेम है, हम लोग का धोनी कोहली का कार्ड है और विनिंग अभी तो मेरे सामने है, वो कुछ कहने का मेरा है नहीं तो विनिंग के बारे में अभी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोग को कार्ड्स पे देखना है, ठीक है। यहाँ पर एक गेम आ चुका है जो कि 150 रुपीज़ का गेम है, फ्रूट समुराई। फ्रूट समुराई का गेम काफ़ी अच्छा गेम है, टाइम एकदम कम टाइम में मैं एंटर करूँगा, जैसे कि यहाँ पर 10 सेकंड में मैंने एंटर किया गेम में और जैसे ही मैंने एंटर किया गया 41 में 42। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला था जब आप लोग का प्लेयर ना के बराबर होता है दोनों साइड में डिफरेंस, जब आप लोग का प्लेयर का डिफरेंस एकदम ना के बराबर रहे तो जो कार्ड विन कर रहा है उस कार्ड को सेट करो, जैसे मैंने यहाँ पर किया और वही कार्ड यहाँ पर विन कर चुका है। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया है पूरा ट्रिक को आप लोग को समझाया, सेम ऐसे करके आप लोग को खेलना है, आप लोग का हर एक गेम कंटिन्यूअसली विन होगा, ठीक है। अब अगर लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर दो, क्योंकि ऐसी न्यू गाइस ट्रिक्स के बारे में मैं आप लोगों को डेली बताता हूँ और भी ट्रिक्स है, मेरे चैनल पर जो स्क्रॉल करो आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो क्योंकि वहीं पर आप लोग को डेली गिवे मिलेगा, कैसे आप लोग गिवे में बन सकते हो पूरा इन्फॉर्मेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है, तो जल्दी से वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाओ, लिंक आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं लाइव भी आता हूँ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहीं पर आप लोग मेरे साथ खेल के बहुत ज्यादा विन और प्रॉफिट कर सकते हो डेली। तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोग पूरा प्रॉफिट कर सकते हो। इस वीडियो में लाइक टारगेट है पूरा 40 लाइक्स का, उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर दो, क्योंकि लाइक टारगेट कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को गिवे मिलेगा। कमेंट करो क्योंकि सारे कमेंट्स को गिवे मिलता है। तो मिलता है फिर किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।